पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें अच्छी भी करी ग्राउंड में, लेकिन स्पेन की टीम ने थोड़ा और अच्छा किया हमसे। सो अब ये अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हार। सो धीरे धीरे इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरे को तो लगता है ये अपना टीम का फॉरवर्ड नहीं गोल नहीं कर पाए। अब आपका क्या राय है इसमें? देखिए फील्ड गोल करना उतना आसान नहीं होता है। फॉरवर्ड्स काफ़ी सर्कल एंट्रीज किए, डीसी भी बनाए, बट स्कोर के लिए ट्राई भी किए, बट आज थोड़ा कह सकते हैं लक नहीं था, स्कोर नहीं हुआ। आदित्य ने जैसे टच किया था वो गोलकीपर का आउटस्टैंडिंग सेव था। सो फॉरवर्ड को थोड़ा और स्कोर करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। एक शरदानंद तिवारी आ नहीं पाए थे, उसके वजह से कोई फर्क पड़ा टीम में? हाँ बिल्कुल, शरदानंद तिवारी वो लास्ट वर्ल्ड कप खेला था हम लोगों के साथ। सो मेन ट्रैक फ्लिकर टीम में शरदानंद तिवारी ही था, और वो अनफॉर्चुनेटली उसको टीम आने से पहले एक दिन पहले उसको टाइफाइड हो गया, तो वो उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, टूर्नामेंट खेलने के लायक नहीं था, इसलिए वो नहीं आया। तो फर्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो 18 प्लेयर्स चुने जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। अब जो बाहर से आते हैं ऐसा नहीं कि वो अच्छे, वो भी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वो मेन ट्रैक फ्लिकर था और उसका ओवरहेड बॉल अच्छा था, तो जैसे स्पेन की टीम प्रेशर दे रही थी हम लोगों के ऊपर, तो शारदा अगर होता तो ज़्यादा ओवरहेड खेलता बॉल, तो प्रेशर रिलीज होता। सो क्या कर सकते हैं, अब ये हमारे हाथ में नहीं था। करेक्ट। देखिए आजकल वो जो वर्ल्ड कप है, पहले 4 साल का एक बार था, बाद में 3 साल का एक बार है, अभी एवरी 2 ईयर्स होगा, इसे तो आपको इसका राय क्या है आपका? ये अच्छी बात है कि FIH ने अच्छा डिसीजन लिया है कि वर्ल्ड कप अब 2-2 साल में होगा जूनियर लेवल पे। सो ये जो लड़के जूनियर लेवल में थोड़ा ज़्यादा खेलेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो सीनियर टीम के लिए जाएंगे खेलने के लिए। सो सीनियर लेवल पे जब जाएंगे तो उनको उतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप वगैरह जूनियर टीम के टूर्नामेंट्स खेल लेंगे। तो इसलिए सीनियर टीम में जाने के लिए ये एक अच्छा है कि हर 2-2 साल में वर्ल्ड कप होगा। तो ये FIH की ये अच्छी सोच है कि उन्होंने